नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिस पे हम लाते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरें कौन सी थी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल सके। दोस्तों, कश्मीर मुद्दे को लेकर दुनिया के देशों के आगे गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान को अमेरिका से बहुत आस थी, लेकिन G7 में डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी ने साफ तौर पर कह दिया इस विषय पर किसी तीसरे पक्ष की जरूरत ही नहीं है। इससे साफ हो गया कि अब उसे अमेरिका का साथ भी नहीं मिलने वाला है। अब पाकिस्तान में भी बगावती सुर उठने लगे हैं। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। इसके बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अपने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि हम कश्मीर के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन इसी बीच वॉइस ऑफ कराची के चेयरमैन नदीम नुसरत का कहना है कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका। नदीम नुसरत ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पाकिस्तानी सेना के हाथ की कठपुतली हैं। वे वही बात बोलते हैं जो उनके मास्टर यानी सेना बुलाना चाहती है। नदीम कहते हैं कि यह इमरान खान की बातों से भी स्पष्ट होता है। इमरान खान ने कहा था कि दुनिया के ज़्यादातर मुस्लिम देश उसके साथ भले ही आर्थिक वजहों से साथ ना हो, पर एक दिन वो पाकिस्तान के साथ जरूर आएंगे। वो साथ ही कहते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है कश्मीर उनकी विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। नदीम नुसरत कहते हैं पाकिस्तान की सेना और ISI करोड़ों रुपए आतंकी संगठनों के ऊपर खर्च कर रही है। यही नहीं, कश्मीरी स्वतंत्रता संघर्ष के नाम पर दूतावासों में कश्मीरी कमेटी और कश्मीरी डेस्क का गठन किया गया है। घरेलू राजनीति में नाकाम रहने के बाद पाकिस्तान में असमंजस के हालात बने हुए हैं।